ये चलते हैं लॉक्य की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सॉलिडिटी फुल कोर्स के सीरीज़ में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो आप मेरे थंबनेल या टाइटल पे देख लिए होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेन नेट वर्सेस टेस्ट नेट। तो आइए देखते हैं हमारा मेन नेट वर्सेस टेस्ट नेट क्या है, मतलब मेन नेट क्या है और टेस्ट नेट क्या है। सबसे पहले हम लोग मेन टेस्ट नेट के कुछ टॉपिक के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले जो टेस्ट नेट क्या जो टॉपिक्स है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे टेस्टनेट कॉइन्स डू नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि आप उसको कहीं जाके बोल दें कि मेरे पास इतने इथेरियम्स हैं, आप मुझसे ये ले लीजिए, मुझे बाइक दे दीजिए, मुझे कार दे दीजिए। क्योंकि अगर आप गैनास जानते होंगे तो हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप गैनास यूज़ किए होंगे कभी या सुने होंगे उसके बारे में, तो अगर उसको देखेंगे कभी इस पर एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे तो उस पर आपको 10 अकाउंट्स पे 100 ईथर्स मिलेंगे। तो आप उसकी कितनी वैल्यू थी आप जानते ही हैं। तो उसकी टेस्टनेट में कोई वैल्यू नहीं थी। अगर उसने आपको बस मेननेट हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो टेस्टनेट में वो आपको मिलता है बस ट्राई करने के लिए। आप जितना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करिए, समझ लीजिए इन्फिनाइट अनलिमिटेड इथेरियम्स हैं आपके टेस्टनेट में, ठीक है। तो कई थी बहुत ज़्यादा इथेरियम्स रहते हैं, ठीक है। आप टेस्टनेट सिर्फ आपको डिप्लॉयड करने के लिए कुछ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को देखिए। टेस्टनेट कॉइंस आर यूज टू टेस्ट आवर कॉन्ट्रैक्ट्स और रन द लोकल ट्रांजेक्शन, ठीक है। लोकल ट्रांजेक्शन जैसे आप कोई फंक्शन बना रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि इससे ये हमारा ये हमारा सेंड हो जाए कि हमने इतना ये बनाया कि ये हमारे पास ये है, एक पर्सन को इस पर्सन से इतना हमारा जो है हमारा इथेरियम सेंड हो जाए। तो उसको सेंड करने के लिए आपको है जो टेस्टनेट का इसके जो ट्रांजेक्शन को रन करना पड़ेगा, वो आपको टेस्टनेट में करेंगे तो लोकल में रन हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे आगे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इसमें तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्टनेट टोकन दैट वी गेट फॉर फ्री, ठीक है। टेस्टनेट टोकन्स वो है जो हम लोग फ्री में पा लेते हैं। जैसे कि आप कहीं गए और किसी वेबसाइट पे गए और फॉसेट पे वहाँ जाएंगे और अपने एड्रेस को पेस्ट करके अपने फ्री इथेरियम को मंगा सकते हैं। हम लोग आगे प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा टेस्टनेट का टॉपिक्स और हम आते हैं मेन नेट के टॉपिक्स पे, ठीक है। तो हमारा जो मेन नेट का सबसे पहला टॉपिक है वो है दे प्रोवाइड अ क्लियर वैल्यू ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी इन अ रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो हमारा जो रियल वर्ल्ड में इस समय जो करंट में जो हमारी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस चलती है वही यहाँ पे शो करेगा और वही आप कहीं जाके किसी को दिखाएंगे कि हमारे पास ये इतना है, आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मेरे पास 100 ईथर्स हैं, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे दे दीजिए। तो आप उसको पे करेंगे तो आपको वो बाइक मिल जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल है हमारा मेन नेट का। तो वो मेन नेट एकदम रियल वैल्यू रहता है उसका, जैसे कि आपका रुपीज़ हो गया तो उसका एक रियल वैल्यू है और उसको आप कहीं भी देंगे तो हो जाएगा। उसको पेपर का बना के किसी को दे देंगे, इस पर लिख देंगे 50 रुपीज़, तो कोई उसको नहीं लेगा। समझ लीजिए वो पेपर रुपीज़ वाला वो है टेस्ट नेट, और जो हमारा रियल जो है रुपीज़ का पूरा नोट है जिसमें हमारा गांधी जी रहते हैं वो है हमारा मेन नेट, ठीक है। तो इस समझ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ मेन नेट इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक चेन रनिंग इट्स ओन नेटवर्क विथ इट्स ओन टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग मेन नेट है, जैसे कि पॉलीगन मेन नेट, बाइनेंस स्मार्ट चेन मेन नेट, इथेरियम मेन नेट। तो ये सब अलग अलग इन लोग का वर्क होता है। जैसे पॉलीगन का वर्क है कि इथेरियम का ट्रांजिशन को जल्दी फास्ट बनाता है, वैसे अलग अलग सबका वर्क होता है, ठीक है। तो उसका वो वही वर्क है, वैसे अलग अलग नेटवर्क का अलग अलग वर्क होता है जो मेन नेट में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है वो है मेन नेट कॉइन्स आर यूज टू डिप्लॉय ऑन ब्लॉक चेन प्रोटोकॉल इज फुल्ली डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड। तो उसको आप किसी को जैसे कि एक कॉइन बनाए हैं आपने, कॉन्ट्रैक्ट लिख के अपना एक कॉइन बनाया, तो उसको आप जैसे अपने कॉइन नाम रख दिया माइंड ब्लॉक, तो माइंड ब्लॉक के नाम से अपना एक कॉइन बनाया, तो उसको अगर आप डिप्लॉयड कर देंगे ब्लॉक चेन के मतलब मेन नेट में, तो उसको अगर आप डिप्लॉयड करेंगे तो कोई भी आपके कॉइन्स को बाय एंड सेल कर सकता है। उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसको हम लोग आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग उसको हम लोग डिप्लॉयड कर सकते हैं पूरा, आपको कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप उसको वही सेम टेस्ट नेट पे करेंगे तो टेस्ट नेट पे नहीं होगा वो, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे जाने वाले हैं, इसके कुछ प्रैक्टिकली करने वाले हैं और मेटामास्क में सारे अलग अलग मेन नेट और टेस्ट नेट को देखने वाले हैं, कैसे वो आते हैं उसमें, कैसे इथेरियम्स आते हैं, वो सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। हाँ, तो मैं आ गया हूँ अपने एक ब्रेव ब्राउज़र पे, आप कोई भी ब्राउज़र पे जा सकते हैं। और आपको ये मेटामास्क इंस्ट्रक्शन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको मेटामास्क चाहिए, तो मैं आपको मेटामास्क का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेटामास्क को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके पे वीडियो डाल दूंगा कैसे मेटामास्क के वॉलेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। आप सिंपल से आप ओपन करेंगे अपने मेटामास्क को, तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा मेटामास्क खोल के। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेटामास्क खुल रहा है, ये मेरा मेटामास्क खुल चुका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास
यहाँ पे कई चीज़ आ गई। सबसे पहले हम लोग मैं इथेरियम मेननेट पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इथेरियम मेननेट पे गया हूँ और यहाँ पे मेरे साथ गैनास भी है। हम लोग आगे गैनास की बात करेंगे, देखिए यही है गैनास, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सब आपको और अच्छे समझ आएगा गैनास कैसे है। तो मैं अभी गैनास पे करूँगा तो यहाँ पे ये नहीं कनेक्ट होगा कि मैं अपने गैनास को नहीं खोला हूँ, तो उसको मैं बंद कर दूंगा। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं मेरे गोरेली है और ये सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये टेस्ट नेटवर्क नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे शो और हाइड लिखा हुआ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेके जाएगा। इसको ऑफ कर दूंगा मैं, तो देखिए हम जो सिर्फ गैनास दिखेगा, ठीक है। तो इसको आपको ऑन कर लेना तो आपको भी दिखने लगेगा, आपका जो टेस्ट नेटवर्क है आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। और जैसे मैं गोरेली टेस्ट नेटवर्क में, मेरे पास देख सकते हैं 0 गोरेली ईथ है, ठीक है। तो आप मुझे अगर मुझे गोरेली ईथ चाहिए तो मैं यहाँ पे फ्री में ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है टेस्ट नेटवर्क, तो टेस्ट का मतलब भी होता है ये टेस्ट करने के लिए, और मेन का मतलब होता है ये मेन के लिए। तो इथेरियम मेननेट में आप चाहेंगे तो मुझे कुछ मिल जाए तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ बाय का ऑप्शन है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे गोरेली टेस्ट नेटवर्क में तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि मुझे चाहिए कुछ गोरेली, तो मैं सिंपल से अपने एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करूँगा। यहाँ पे है आपका एड्रेस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा गोरेली फॉसेट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे goreliefaucet.com पे, ठीक है। यहाँ पे अपने गोरेली फॉसेट है, ठीक है। यहाँ पे आप इथेरियम का एड्रेस पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इथेरियम। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने इथेरियम के एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने वहाँ से मेटामास्क से कॉपी किया, मेटामास्क वॉलेट से, ठीक है। उसके बाद आप मैं सेंड मी ईथ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा सेंड मी ईथ जो है हमारा ये लोड हो रहा है और ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे। और आइए चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए योर ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन में क्लिक करूँगा तो ये हमें लेके जाएगा goreli.etherscan.io पे। देखिए अभी यहाँ भी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं साफ साफ यहाँ रेड में लिखा हुआ है दिस इज अ गोरेली टेस्ट नेट ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। तो इसको कोई मेन नेट ना समझ ले, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं हो गया कि नहीं। तब हमारे मेन नेट पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा स्टेटस हो जा रहा है, इंडेक्सिंग हो रहा है, ट्रांजेक्शन बिन इंक्लूडेड सेंड एंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ शॉर्ट वाइल। उसको चेक किया जा रहा है क्या वो उसकी ब्लॉकचेन में जाने के लिए कुछ ढेर सारे उसको वो करने पड़ेंगे ना, तो टेस्ट करना पड़ेगा वो ट्रांजेक्शन रियल है कि फेक, तो उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे मेटामास्क में वो आ जाएगा। तो आइए चेक करते हैं हमारे मेटामास्क में अभी तक आया है कि नहीं। तो मेरा मेटामास्क वॉलेट मैं ओपन कर लिया हूँ, आप ओपन कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे आ चुका है 0.2 गोरेली ईथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी में आ चुका है, यहाँ रिसीव हो चुका है मुझे 0.2 गोरेली ईथ, ठीक है। October 21 को, यहाँ October 21 है, ठीक है। तो यहाँ मुझे आ चुका है कि अभी 0.2 गोरेली ईथ आ चुका है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे गोरेली इथीरियम आ जाएंगे फ्री में गोरेली फॉसेट से। तो आप यहाँ से गोरेली फॉसेट पे जाइए और यहाँ पे करिए। तो मैं यहाँ पे बार बार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ लिखा रहता है विद इन शायद 24 आवर्स में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं करूँगा तो शायद ये फेल्ड बताएगा, देखिए यहाँ भी यहाँ सॉरी लिख दिया यहाँ पे, अभी नहीं हो सकता है 24 आवर्स के बाद यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद फिर से ले सकते हैं, मैं अभी 0.2 ले चुका हूँ तो अभी मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे यही था हमारा वर्क, कैसे वो मेननेट होता है, कैसे टेस्ट नेट होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दी हूँ, अगर आप चाहें तो मेननेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए मैं देखते हैं मेननेट कहाँ से लेंगे। तो अब मैं तो अभी मेननेट लेने वाला नहीं हूँ, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे वो मेननेट आप ट्रेडिंग वेडिंग करने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई कॉइन बनाना है तो वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं बाय आ रहा है, कॉइन बेस पे आ रहा है, यहाँ पे मून पे आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंसेक आ रहा है, यहाँ पे कई आ रहा है। जैसे कि अगर आप चाहेंगे तो मैं कॉइन बेस से ले लूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉइन बेस पे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा कॉइन बेस, यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट को ऑथ करेगा, यहाँ पे अपना ईमेल ईमेल दे के आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये बाई हो जाएगा, आप भी वहाँ से जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। आप प्लीज़ मेटामास्क वॉलेट को इंस्टॉल करके ये टेस्ट करिएगा, अपने इथेरियम को यहाँ से पेस्ट करके एड्रेस को यहाँ से सेंड मी ईथ करिएगा, आपको आप पे आएगा, ये चेक करिएगा, ठीक है। और आप इस पर भी कर सकते हैं, एक और है सेपोलिया जो टेस्ट नेटवर्क है, और हमारे जो रॉबस्टेन है, रिंकी भाई है, ये सब अभी नहीं है, शायद हट गया अभी मेटामास्क से, ठीक है। तो यही अभी हम लोग गोरेली को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गोरेली को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं गैनास को भी अभी इस्तेमाल करके आपको दिखा दूंगा आगे जाके, आगे हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट यू शेयर इन अ डे इट शोज व्हाट यू डू इन अ डे। आप जो सही करते हैं वही आपको पता चलेगा आप क्या किए हैं, उसी से पता चलेगा ये बंदा अच्छा शेयर करता है, कुछ करता है दिन में क्या करता है, वो आपको ऐसे पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे सब टॉपिक बता दिया हूँ। और प्लीज़ आपको वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।